अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज बड़ी खुशी का मौका है कि आज हमारे घर में मेहमान आने वाले हैं। अब मेहमान कौन कौन आने वाले हैं यह आपको पता चल जाएगा, लेकिन ये पहला मौका नहीं है कि जब मैंने मेहमानों को अपने घर पे बुलाया है। मैं कई बार बुलाता हूँ लेकिन अधिकतर मैं फेल हो जाता हूँ, क्योंकि हमारे रिश्तेदार बहुत कीमती हैं, भाव खाते हैं, समझते हैं ना, नखरे करते हैं, भाईजान अभी बहुत काम है, अभी टाइम नहीं है, अभी ये है, अभी वो है, एक को बुलाओ तो मतलब सबको बुलाने की कोशिश करो तो दो चार उसमें से दो तीन तो कोई ना कोई बहाना कर देते हैं। तो कोशिश ये रहती है कि सब आ जाएं, क्योंकि एक को पूछेंगे और दूसरे से कोई नहीं पूछेंगे तो वो बुरा भी मान सकता है, तो इसलिए कोशिश ये रहती है कि सबको बुलाएँ। तो इस बार भी यही कोशिश की है कि सब आ जाएँ। अब देखो कौन कौन आता है, अभी तो सबने आमी भर दी है। एक इनके नहीं आने की वजह सबसे बड़ी यही होती है कि ये सब वेल स्टेबल हैं, सबके अपने अपने काम हैं और बहुत अच्छे चलते हैं, इनको टाइम नहीं मिलता। अब जिनके काम अच्छे चलते हैं वो दूसरे घर में वैसे भी कम आते जाते हैं, ये काम तो अब जैसे कोई फ्री रिश्तेदार हो तो आ जाएगा, लेकिन जिनके पास काम है, जिनको बिल्कुल भी टाइम नहीं है, वो कैसे आएंगे, तो ये भी प्रॉब्लम है। और एक कोटा बारह के बीच की दूरी, भाई आदमी एक दो घंटे का तो टाइम निकाल लेता है, लेकिन कोटा से आने जाने में एक सवा घंटा लगता है, जाने में मतलब दो तीन घंटे तो जाने में लग जाते हैं आने जाने में। तो उसके अलावा जब इतनी दूर आएगा इंसान तो रोकना भी पड़ता है उसे, दो चार घंटे पाँच घंटे। तो मेन प्रॉब्लम यही है कि इस वजह से नहीं आ पाते, नहीं तो रिश्तेदारों की तो हमारे कमी नहीं है, इतना रिश्तेदार हैं कि बस ये मान लो कि सब मोहब्बत लुटाने को तैयार। और मेरे मामू बहुत प्यारे मामू हैं मेरे सारे के सारे, लेकिन अब ये है कि टाइम नहीं मिलता तो नहीं आते। खैर अब देखते हैं कौन कौन आता है। तो आप भी मिलिए हमारे रिश्तेदारों से, देखा कौन कौन आता है, और आपको ये भी देखना है कि हमने उनको क्यों बुलाया है और क्या वजह है कि वो भी आ गए, नहीं तो टाइम नहीं मिलता उनको। पहले पूछते हैं सबसे पहले कि क्या प्रोग्राम है, जब उनको लगता है कि हाँ वास्तव में जाना चाहिए तब आते हैं। तो देखते हैं देखा कौन कौन आता है। तो चलिए मेहमान आने वाले हैं, तैयारी करते हैं, घर को थोड़ा अच्छा डेकोरेट करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पर सुबह से ही तैयारी स्टार्ट होने लगी है, और आज सुबह तो मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, रोज़ उठती हूँ उससे और जल्दी उठ गई थी, क्योंकि बहुत सारे काम निपटाने थे। वैसे कल से ही हम लोग पूरी साफ़ सफाई में लगे होंगे हैं, घर को अच्छा करने में, बढ़िया करने में, कि मेहमान आए तो थोड़ा सा घर अच्छा दिखे। तो यहाँ से जो सोफ़े हैं पूरे सोफ़े हटा लिए मैंने, थोड़ा सा स्पेस हो जाए, क्योंकि मेहमान बहुत सारे आएंगे तो उस हिसाब से जगह करना ज़रूरी थी। तो सोफ़ों को मैंने बाहर सेट कर दिया, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पर गद्दे सेट हो चुके हैं हमारे, और गद्दों के ऊपर मैंने चादर लगा ली है, तो पूरा कमरा बड़ा सा भी दिखेगा आप लोगों को, और स्पेस भी इसमें ज़्यादा हो गया है। इधर कालीन भी लगा लिया है, और चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि सोफ़े हम लोगों ने कहाँ सेट कर रखे हैं। और आज तो सच में बच्चे भी जल्दी उठ गए थे अपनी मम्मा की हेल्प करवाने के लिए, सभी मिलकर काम कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर सोफ़े सेट कर दिए हैं, इधर बरामदे में तो नए कवर भी बिछा दिए हैं और कुशन कवर भी लगा दिए हैं, और टेबल भी इधर ही आ जाएगी, पूरा काम इधर ही हो जाएगा, बैठने वाले कुछ लोग इधर भी बैठ जाएंगे और कुछ हॉल में बैठ ही जाएंगे। तो ये देखिए हमारे बरामदे का लुक, बरामदा कैसा लग रहा है आप लोगों को। और अब मैं अंदर का लुक भी आप लोगों को दिखा देती हूँ, अंदर हॉल का। माशाल्लाह बहुत सारा स्पेस हो गया है हॉल में, और देखिए पूरा हॉल, अब लोग सब आराम से बैठ जाएंगे, मतलब कोई किसी तरीके की कोई कमी नहीं रहेगी। तो बस अब सब लोग आने वाले हैं, अभी फ़ोन भी आ चुका है कि हम लोग निकल चुके हैं और आ रहे हैं। तो देखते हैं कौन कौन आता है। वैसे इनवाइट बहुत सारे लोगों को किया है, लेकिन उनमें से कितने लोग आ पाते, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने आप लोगों से कहा था कि सबकी देखिए कोई ना कोई मजबूरी रहती है। हमारे जो फैमिली वाले हैं, मेरे ससुराल वाले, मतलब सभी काम वाले लोग हैं, सभी काम धंधे वाले हैं, सबकी मतलब अपने अपने हिसाब से सब सेटल है, कोई फ्री नहीं है। जो लोग फ्री होते हैं वो तो फिर भी
किसी के घर बहुत दिनों तक रुक जाते हैं, लेकिन मेरे ससुराल वाले में कोई भी फ्री नहीं है, सभी काम धंधे वाले हैं। तो ये देखिए मेरे देवर आ चुके हैं, देवरानी और मुमानी सास भी बैठी हुई हैं इधर कोटा वाली, तो सब लोग आ चुके हैं और बाजी भी आ चुकी हैं, बाजी सबको पानी दे रही हैं। तो आज संडे है, तो संडे वाले दिन देखिए बाजी भी फ्री नहीं रहती हैं, क्योंकि ये ना हम सर्विस करती हैं बाजी, तो संडे वाले दिन बाजी के बहुत सारे काम निकलते हैं। अभी भी पूरे घर की सफाई करके, झाड़ू पोछा निपटा कर और फिर खाने से फ्री होने के बाद बाजी इधर आ गई हैं। हमने बाजी को बता दिया था, इनवाइट कर दिया था, वैसे तो कल ही करे आए थे इनवाइट, और फिर ये सब लोग आ गए तब बाजी के पास फ़ोन कर दिया था कि सब लोग आ चुके हैं, फिर बाजी इधर आ गई मेरी हेल्प करवाने के लिए। और इधर मैं कर रही हूँ मटन की तैयारी, मटन अभी से चढ़ा दिया है भगोनी में, तो धीमी धीमी आँच पर मटन बनता रहेगा। तो सारा काम हम लोगों ने कल ही निपटा लिया था, जैसे लहसुन प्याज छीलना है, अदरक छीलना है, तो बहुत सारा काम था। मतलब रात को मैं आप लोगों को बता दूं, मैं 12 बजे सोई हूँ सारे काम से को निपटाने के बाद, जो ऊपरी काम था ये सारा काम बहुत सारा रहता है। देखिए घर में खाना बनता है जब बहुत सारे मेहमान हम लोगों के यहाँ आने वाले होते हैं, तो उस हिसाब से सारा काम हमें निपटाना पड़ता है जल्दी जल्दी। तो जो ऊपरी काम होता है वो तो हम लोग पहले से ही निपटा लेते हैं, लेडीज़ यही करती है। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ चिकन पकौड़ी की। चिकन पकौड़ी के लिए ये मैंने चिकन को दरदरा पीस लिया था, और जो मसाले हमारे उसमें डलते हैं वो सारे मसाले मैं इसके अंदर डाल दूँगी। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ, सिंपल ही बना रही हूँ वैसे तो, लेकिन आप लोग भी देख लीजिए। इसमें थोड़ा सा मैं जीरा पाउडर है डाल दूँगी, और थोड़ा सा इसके अंदर नमक है, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर है, वो सब इसके अंदर डाल के थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल देंगे इसमें। और बारीक बारीक प्याज मैंने कट करके रख रखी है, थोड़ी सी हरी मिर्ची है, थोड़ा सा हरा धनिया है, वो सब डाल कर इसे रख दूंगी। तो ये सारी तैयारी मैं जल्दी जल्दी में कर रही हूँ, बहुत जल्दी में, और ये इधर हो जाएगा। और इधर मैंने चाय बना दी थी सब मेहमानों के लिए, बाजी जब तक पानी दे रही थी जब तक इधर चाय बनाकर तैयार कर ली थी। तो कोई भी काम हो, देखिए हमारे घर में कुछ भी प्रोग्राम हो छोटा मोटा, बाजी पहले से आ जाती हैं। बहुत अच्छा है, बहुत सारा मिलता है मुझे बाजी से भी, और कि बाजी हमारे घर के बिल्कुल पास रहती हैं। अगर वो दूर रहती हैं फिर पता नहीं कैसे आना हो पाता उनका, लेकिन अभी वो आ जाती हैं। तो देखिए बहुत सारा सपोर्ट मुझे मेरी ननद से मिल जाता है, और ये सपोर्ट ही देखिए बहुत मायने रखता है। तो बस ये जल्दी से ये काम भी निपटा के रख लेती हूँ मैं। और ये देखिए हमारा अजलान कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। और इसकी आदत है बातूनी बाबा है ये, मतलब इसकी जो दादी है ना बहुत बातें करती हैं इससे। अब दादा दादी का काम होता ही है कि पोता पोतियों को खिलाएं बैठ कर, उनसे बातें करें, तो इतना बातूना हो गया है बहुत ज़्यादा। मैं इससे बातें करने लगी ना तो बहुत देर तक मुझसे बातें करता रहा, हंसता रहा, मुस्कुराता रहा, मतलब बातों में इंटरेस्ट ले रहा था एक तरीके से, जैसे कि इसको भी बात करना आता है, अपनी लैंग्वेज में मुंह हिला हिला के बात कर रहा था। और आज हमारी रिदा ने वही वाला सूट पहन रखा है जो कि जयपुर से मैं लेकर आई थी, वही सूट पहन लिया कि मम्मी मैं पहन लूँ, मैंने फिटिंग लगा दी थी उसके बाद पहन लिया था। और इधर देखिए इधर अंदर वाले कमरे में सभी बच्चे बैठे हुए हैं, इंशा है, आमीन है, अब्बास है, और ये है आयरा अजलान की बड़ी बहन। तो सभी बच्चों से आप मिल चुके हो अच्छी तरीके से, आप जानते हो सभी बच्चों को, जब मैं अपने ससुराल गई थी तो सबसे आप लोगों को मैंने अच्छी तरीके से मिलाया था। और बस बच्चे तो इतने मस्त हो गए, इतने खुश हो गए, और आप लोगों को पता है मेरे बच्चों को दूसरे बच्चे तो खेलने के लिए कहीं मिलते नहीं है पास पड़ोस के। अब जब घर में कोई मेहमान आ जाते हैं तो सच में इतने खुश हो जाते हैं जब से खेल ही रहे हैं उनके साथ। और बस अब नाश्ते का टाइम हो रहा है, और इधर धीरे धीरे खाना बन ही रहा है, मटन सालन बन ही रहा था इधर। फिर मैंने सोचा दूसरी रेसिपी मैं धीरे धीरे बनाती रहूँगी, क्योंकि देखिए ससुराल वाले आए हैं मेरे, तो सबके पास बैठना भी ज़रूरी है, सबको टाइम देना भी ज़रूरी है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से सब लोगों के पास टाइम निकला है आज मेरे पास आने का, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज। और ये देखिए इधर बाजी नाश्ता लगा रही हैं, तो मैं प्लेट्स ऊपर से उतार उतार कर देती जा रही थी, सारी प्लेट्स मैंने ऊपर रख रखी थी। अब बाजी को तो पता नहीं है कौन सी चीज़ मैंने कहाँ पर रख रखी है, तो बस मैं प्लेट्स निकाल निकाल कर देखी जा रही थी, और ये बाजी नाश्ता लगाती जा रही है। तो कुछ नाश्ता तो देखिए मेरे घर का ही है जो मैंने बनाया था, जैसे चावल की बर्फ़ी बनाई थी, बेसन की बर्फ़ी बनाई थी, आप लोगों के साथ शेयर भी की थी। और कुछ नाश्ता घर में रहता ही है मेरा, क्योंकि हम लोग शाम के टाइम नाश्ता करते हैं, और थोड़ा बहुत नाश्ता मैंने मार्केट से मंगा लिया था, और आप लोगों को पता है हम लोगों का नाश्ता
ज़्यादातर हेल्दी नाश्ता ही रहता है, ऐसा कुछ भारी नहीं रहता है। तो बस ये हल्का फुल्का सा ही नाश्ता है, ज़्यादा कुछ नहीं है, आप लोग देख लीजिए। तो बस वही प्लेटों में लग रहा है और बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत खुशी होती है। बाजी आ जाती है मेरी हेल्प कराने के लिए, तो मुझे कभी भी सच में अकेलापन महसूस नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं लगता कि मैं अकेली हूँ, एक अकेली भाभी हूँ और मेरी ननद कभी कोई मदद नहीं करवाती, ऐसा कुछ भी मुझे कभी फील नहीं हुआ। हमेशा मदद करवाने के लिए आ जाती हैं, कभी भी मेहमान वगैरह आए या घर में कभी कुछ प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, तो बाजी आगे से आगे हाजिर हो जाती है मेरी मदद करवाने के लिए। हमेशा कहती है कि सायना कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना, हम लोग हैं तेरे साथ, तेरा साथ देने के लिए, तो हमेशा यही समझना। तो सच में ये मेरे लिए, मेरी बाजी हैं बड़ी बहन की तरह, वैसे मेरी जो दोनों नंदे हैं मेरे लिए है ना बहन की तरह ही हैं। तो बस यहाँ पर चल रहा है नाश्ते का प्रोग्राम और अब थोड़ी देर में नाश्ता लगने वाला है, और सच में आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है सभी ससुराल वालों के साथ। और बस काम करते करते बातें भी होती जा रही हैं, तो देखिए जब हम काम करते रहते हैं और साथ में बातें भी करते रहते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, और काम का भी पता नहीं चलता कि कब काम हो जाता है। तो बस अभी इधर दस्तूर खान लग चुका है और सब लोग बैठ चुके हैं और अब हम लोग इधर प्लेट्स भी लगाते जाएंगे, तो घर के सभी मेंबर मेरी मदद करवा रहे हैं, देखिए सभी ले लेकर आ रहे हैं, प्लेट्स लगा दी थी बाजी ने। अली भी हेल्प कर रहा है, मेरे हस्बैंड भी हैं, वो भी पीछे नहीं है, हमेशा हर काम में मेरी वो भी मदद करते हैं कहीं ना कहीं, तो बहुत अच्छा लगता है। और रिदा तो है ही सही, रिदा भी मदद करवा रही है, हम सब लोग मिलकर नाश्ता लगा रहे हैं। तो आ जाइए आप लोग भी जल्दी से यम्मी सा नाश्ता कर लीजिए हम लोगों के साथ, मेरे ससुराल वालों के साथ, क्योंकि नाश्ते का टाइम अब हो चुका है। इसके बाद नाश्ते के बाद फिर चाय है, तो चाय बनेगी अभी, क्योंकि ससुराल वाले मेरे सभी चाय पीते हैं, बस एक दो जने जो चाय नहीं पीते, लेकिन बाकी सभी लोगों को चाय का शौक है, और चाय का शौक देखिए होता ही है। और मेरे कुछ व्यूअर है जिन्होंने दुआ कराई है, एक तो है रजिया जी और एक है आयान राणा की अम्मी, उन्होंने अपनी अम्मी की शिफा के लिए दुआ कराई है, तो इनकी अम्मी की शिफा के लिए मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द इनकी अम्मी को शिफा दे, सेहत और तंदुरुस्ती दे। और मेरे कुछ व्यूवर्स के कमेंट आ रहे हैं कि आप हमारा नाम लेना, तो देखिए कई बार मतलब ऐसा हो जाता है कि मैं आप लोगों के नाम नहीं ले पाती, लेकिन आप सभी लोग मेरे दिल में रहते हो, तो इस बात की चिंता आप लोग बिल्कुल भी मत करिए कि मैं आप सभी लोगों के लिए दुआएं नहीं करती। आप सभी लोगों के लिए मैं अपनी हर नमाज में दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जी कि आप सभी को अपने हिफ्ज़ोमान में रखे और आप सभी की जो भी जायज़ तमन्नाएँ हैं वो पूरी करे, सबके लिए मैं दुआ करती हूँ। आप सभी मेरे प्यारे व्यूवर्स हो, मेरी एक प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली हो। तो बस अब नाश्ता स्टार्ट हो रहा है, जल्दी से आ जाइए, देर मत लगाइए। और कल वाले व्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि फिर आगे मैंने अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर क्या किया, मैंने और मेरी जो देवरानी है हम सब ने आपस में किस तरह से एंजॉय किया, हम देवरानी जेठानी ने और मिलकर आपस में क्या धमाल किया, वो इंशाल्लाह आपको कल वाले व्लॉग में देखने को मिलेगा। और साथ में मैंने कौन कौन सी रेसिपी बनाई खाने के लिए वो भी कल वाले व्लॉग में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और आज का मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और एक बात और मुझे आप लोगों से कहनी थी, वो ये कि आप लोग मेरे ब्लॉग तो देख लेते हैं लेकिन कई लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे कहना चाहूँगी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसी के साथ आज के इस ब्लॉग का बस अब मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप सभी अपना अपनी पूरी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिए, हम सभी को दुआओं में याद रखिए। आप लोगों से मिलती हूँ फिर से मेरे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चक्कर आ रहा है।
Thank you.